आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसे इंसान के कमबैक की कहानी, जिसकी जिंदगी ने हमको कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, ये चीज जरूर सिखा रही कि इंसान से बड़ा दोगला, इंसान से बड़ा दो मुहा, इंसान से बड़ा रंग बदलने वाला कोई भी नहीं होता। गिरगिट और सांप तो फालतू में ही बदनाम है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स के कमबैक के बारे में। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स जिसके 2.5 साल में उसको नरक दिखाया जाता है। आज मैं बात करूंगा विराट कोहली के बारे में। तो मेरा नाम है चित्रांश पांडे और आप लोग देख रहे हैं चित्रांश पांडे ब्लॉग्स। तो साल है 2009 जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था, और साल बीतते बीतते 2010 तक मेरा फेवरेट एक क्रिकेटर हो गया था, उसका नाम है विराट कोहली। मेरे को उसका एग्रेशन बहुत पसंद था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 2022 आता है, यहाँ तक मेरा फेवरेट क्रिकेटर अभी तक विराट कोहली है, और शायद जब तक मैं क्रिकेट देखूंगा विराट कोहली के रिटायर होने के बाद तक भी मेरा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली ही रहेगा। तो आज मैं एक ट्रू फैन की फीलिंग क्या थी उन 989 दिनों में, उस चीज के बारे में बात करूंगा। तो दिन होता है 23 नवंबर 2019, मैच देखते हैं, टेस्ट मैच आता है और विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी रहती है, और हमको पता नहीं था कि शायद इसके बाद 2.5 सालों में हमारे उस आइडल के साथ क्या होने वाला है। लास्ट सेंचुरी आती है 2019 में, उसके बाद कोविड का टाइम आता है, 2020 में मैचेस नहीं होते हैं, फिर आता है 2021 में जब मैचेस स्टार्ट होते हैं, उस समय के लास्ट बीतते बीतते 2021 तक विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी नहीं आई रहती। 50s, 40s, 80s, 10, 20 ये सारे बनते हैं, बट क्योंकि सेंचुरी नहीं आई रहती तो ट्रोलर्स गैंग, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं, जो कि सक्सेस में तो बहुत ज़्यादा शहद चिपका रहे थे बट उनका असली रंग दिखता है इन समय में। कहते हैं ना कि इंसान का सबसे ज़्यादा परख तभी होती है जब उसका बुरा टाइम चलता है, तो यहाँ पर इंसान की परख हो जाती है कि अब जाके कौन शहद चिपका रहा है फिर से। तो 2021 बीतते बीतते विराट कोहली ने टॉप 5 रन गेटर्स में रन तो मारे रहते हैं बट पीछे वो सेंचुरी नहीं लगी रहती, इसकी वजह से ट्रोलर्स बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। 2022 आता है, विराट कोहली का खुद का कॉन्फिडेंस शायद लो हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं से तो आदमी सुनेगा ही, उसकी वजह से विराट कोहली का कॉन्फिडेंस लो होता है। विराट कोहली ने आईपीएल की कप्तानी छोड़ी, टी20 की कप्तानी छोड़ी, ओडीआई की कप्तानी छीनी गई, टेस्ट की भी कप्तानी ली गई। इन समय में विराट कोहली ने शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट टाइम देखा, और इसके बाद 2022 अगस्त तक सब कुछ विराट कोहली ने देख लिया रहता है। सो कॉल ट्रोलर गैंग, सो कॉल ऐसे चूतिए यूट्यूबर देखो जीरो तो मारेगा, वो गिवन है, करियर खत्म हो चुका है उसका, रेस्ट इन पीस हो चुका है वो। ऐसे लोग ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, ट्रोल करते रहते हैं, और विराट कोहली को ट्रोल करते करते वो क्रिकेट से कब उसकी फैमिली पे आ जाते हैं ये उनको भी नहीं पता रहता। लोग अनुष्का शर्मा को बीच में लाते हैं बिना किसी रीजन के, लोग विराट कोहली को इस वजह से ट्रोल करते हैं कि उनके पीछे सेंचुरीज नहीं लगी हुई हैं, लोग विराट कोहली को इस वजह से ट्रोल करते हैं क्योंकि उनके पीछे 70 सेंचुरीज जो इसके पहले बनाई हैं उसका इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। विराट कोहली को इसलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि वो T20I में कितनी बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट रह चुका है। विराट कोहली को इसलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि ये उनसे ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए। विराट कोहली को इसी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जाता है क्योंकि जो विराट कोहली ने आधे अपने करियर में ही अचीव कर लिया, वो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो कि टीवी पर बैठ के ज्ञान देते हैं, उन्होंने शायद पूरी ज़िंदगी में अपने पूरे करियर में भी अचीव नहीं किया। तो एशिया कप के आने के पहले तक सब कुछ होता है, विराट कोहली ने शायद नर्क देख लिया रहता है। उसके बाद एशिया कप आता है, हमको फॉर्म दिखनी शुरू होती है, पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में हमको दिखता है कि हाँ वही पुराना विराट कोहली आता है, और हम खुशी से झूमने लगते हैं कि हाँ कुछ अब अच्छा होगा, यहाँ से उन ट्रोलर्स के ऊपर कुछ तो ऐसा तमाचा पड़ेगा जिससे उनका दिमाग फिर से सही ठिकाने पे आएगा कि हाँ किसको आप ट्रोल कर रहे थे। पहला मैच होता है, पहले मैच के बाद मैचेस जाते हैं, लास्ट मैच आता है जब विराट कोहली ने सही से इनको थप्पड़ मारना शुरू किया है अपने सेंचुरी से। T20I में इनकी 71st सेंचुरी आती है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में। यहाँ से धीरे धीरे ट्रोलर्स शहद उगलना शुरू करते हैं, जो कि आग उगल रहे थे, जो कि इनको फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे थे, सब कुछ धीरे धीरे ठंडा करने लगते हैं अपना। अब सबको पता चल गया था कि वर्ल्ड कप में विराट कोहली का होना तय है,
विराट कोहली अपने फॉर्म में आ चुके थे। वर्ल्ड कप शुरू होता है, जो ट्रोलर्स रहते हैं धीरे धीरे शहद उगलना शुरू करते हैं। तब भी कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जिनको मैं बार बार सो कॉल्ड ही बोलूँगा, और वही होता है ना कि जैसे मैंने पहले बोला, इसी समय पता चलता है कि कौन दोगला है और कौन तुम्हारे साथ रहने वाला है। विराट कोहली की इस फेज़ में, ख़राब फेज़ में, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट, बहुत सारे क्रिकेट फॉर्मर क्रिकेटर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स इनका सपोर्ट भी करते हैं, इन पर भरोसा भी दिखाते हैं। बट वो तो वही होता है ना कि जो बुरे समय में पता चलता है कि हाँ ये अच्छे हैं, और इनका आगे जाके जो भी ये शहद उगलेंगे या फिर आग उगलेंगे वो समझ में आता है। फिर आता है वर्ल्ड कप का टाइम और मैच स्टार्ट होता है पहला। सबको उम्मीद रहती है हर एक बंदे से, और सबसे ज़्यादा उम्मीद हम फैंस को रहती है विराट कोहली से। हमको सिर्फ ये देखना रहता है कि कैसे हम इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट, सो कॉल्ड चूतियों के मुंह पे तमाचा मारेंगे। और शुरू होता है मैच, पाकिस्तान 160 रन बनाती है, इंडिया की तरफ से 31 पे 4 विकेट गिरे रहते हैं। और जो ये एक्सपर्ट्स रहते हैं कमेंट्री करते टाइम, जो कि नचनिया बोलते थे विराट कोहली को, विराट कोहली का डांस देखें, छमिया नाच रही हूँ, वो अब एक्सपर्ट्स आके विराट कोहली को ये बोलते हैं कि अब यहाँ से मैच से विराट कोहली जिता रख सकता है। यहाँ से शुरू होता है जो कि हम विराट कोहली फैंस देखना चाहते थे, हम क्रिकेट फैंस देखना चाहते थे। यहाँ से हमने थप्पड़ पड़ते इनके मुंह पे देखा। हर एक शॉट के साथ हमको ऐसा लग रहा था कि जो ये पुराने एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, जो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, उनके मुंह पे हर एक शॉट के साथ, हर एक चौके के साथ, हर एक छक्के के साथ, हर एक रन के साथ इनके मुंह पे तमाचा पड़ रहा है। और मैच ख़त्म होते होते विराट कोहली ने अपने क्रिकेटिंग करियर की, या फिर कहें क्रिकेट में ही सबसे बड़ी पारी खेल दी रहती है। और जो ये एक्सपर्ट्स टीवी में बैठ के, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो कि जिनको बैट पकड़ना भी नहीं आता, और जिनको फ्रंट फुट और बैक फुट और जिनको सीम और स्पिन के बारे में भी नहीं पता रहता, वो जो कि ज्ञान दे रहे थे विराट कोहली को, अब वही प्रेज करने लगते हैं, वही साथ देने लगते हैं। तो इन सब स्टोरीज में, इन इस कहानी में आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि जो रियल सपोर्टर हैं वो आपका सपोर्ट हमेशा रखेंगे, बट जो दिखावा करते हैं उनकी असली पहचान ऐसे बुरे टाइम में ही होती है। वो एक्सपर्ट्स मुंह छुपाए तो कैसे छुपाएं, उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं रहेगी जो विराट कोहली के सेंचुरी ना मारने के पहले तक थी। उनके चेहरे से लगता है जैसे वो रंगत ही उड़ गई। तो इस बुरे वक्त में विराट कोहली को भी पता चल गया कि कौन उनके साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक खड़ा था और कौन ऐसे नेशनल टीवी पे बैठ के सिर्फ ज्ञान देता है। विराट कोहली की ज़िंदगी से हमको भी, खुद को भी पता चल गया कि जब आपका बुरा टाइम आता है तभी आप जान सकते हो आपके साथ कौन खड़ा था और आपको पीठ भी छुरी कौन घोंप रहा था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक से सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में किंग कोहली रुकना नहीं चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।